दोस्तों भले ही गुजरात टाइटंस की टीम को लखनऊ सुपर जॉन्स से जीत का सामना करना पड़ा हो, मगर दोस्तों जीत के बावजूद भी हार्दिक पांड्या पर बीसीसीआई ने लगाया 5 करोड़ रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं हार्दिक पांड्या पर इतना बड़ा जुर्माना क्यों लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आज आईपीएल 2023 का 51वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉन्स के बीच में खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 227 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया लखनऊ के सामने, जिसमें रिद्धिमान शाह ने 81 रन की तूफानी पारी खेली तो वही सोमन गिल ने 94 रन की तूफानी पारी खेली। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जॉन्स की टीम जब मैदान पर आई तो लखनऊ सुपर जॉन्स के बल्लेबाजों के गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने परखच्चे से उड़ा कर रख दिए। हालांकि लखनऊ की ओर से क्वांटन डीकॉक ने 70 रन का योगदान दिया तो वहीं काइल मार्श ने 48 रन का योगदान दिया और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कमाल नहीं कर पाया। और इस तरीके से गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने लखनऊ की टीम को यानी 20 ओवर में 171 रन के स्कोर पर ही रोक दिया, जिसमें गुजरात टाइटंस की ओर से गेंदबाजी कराते हुए मोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए और इस मुकाबले को गुजरात टाइटंस की टीम ने 56 रन के बड़े अंतर से जीता। मगर दोस्तों आपको बता दें जीत के बावजूद भी हार्दिक पांड्या पर बीसीसीआई ने स्लो ओवर रेट के चलते इतना बड़ा जुर्माना लगा दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें स्लो ओवर रेट वो होता है एक निश्चित टाइम के अंदर दोनों टीमों को ओवर फेंकने होते हैं, मगर दोस्तों हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात टाइटंस की टीम ऐसा कारनामा नहीं कर पाई और सिर्फ 5 मिनट लेट होने के चक्कर में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर बीसीसीआई ने जुर्माना लगा दिया।